मंदसौर जिले के शामगढ़ हॉस्पिटल में 2 दिन पूर्व एक महिला की डिलीवरी होने के बाद हालत गंभीर होने पर भी लापरवाही बरतते हुए उसे देरी करते हुए मंदसौर रेफर किया गया था। महिला की इसी कारण रास्ते में मौत हो चुकी थी। मृतक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। मृतिका के पति एवं ग्रामीणों का आरोप है कि महिला की मौत महिला डॉक्टर शोभा मोरी की लापरवाही के कारण हुई है। 2 दिनों से इस मामले को लेकर महिला डॉक्टर के खिलाफ कई ज्ञापन दिए जा रहे हैं। घटना के दूसरे दिन युवा मोर्चा ने भी महिला डॉक्टर के खिलाफ ज्ञापन दिया, तो आज तीसरे दिन भी गुराड़िया माता गांव के महिला पुरुष सहित कई लोगों ने शासकीय हॉस्पिटल शामगढ़ में आकर महिला डॉक्टर की लापरवाही को बताते हुए उसे पद से बर्खास्त करने की मांग करते हुए धरना दिया। फिलहाल उक्त महिला डॉक्टर शोभा मौर्य के छुट्टी लेकर चले जाने की बात सामने आई है। वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश पाटीदार ने उक्त महिला डॉक्टर शोभा मौर्य के इस मामले को लेकर मंदसौर से जांच टीम ने आकर जांच करना बताया है। शामगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। इस मैडम को यहाँ से सस्पेंड करें, जो अच्छे डॉक्टर यहाँ शामगढ़ में लाया है शामगढ़ में व्यवस्था करें, ये हमारा कहना है गाँव वाले। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी धरना देके खड़े हैं हम, जब तक हमारी सुनी जाएगी हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ, आज 19 तारीख को जो महिला की मृत्यु हुई थी उसके जाँच के लिए जिला स्तर से जो टीम बनाई गई उसमें डॉक्टर सिद्धार्थ पाटीदार DHO, डॉक्टर निकुम सर और यशपाल सिसोदिया, 3 लोगों की टीम आई थी। उन्होंने बुलाकर परिजनों के जो भी समस्या है उनके लिखित में उसको लिया है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जल्दी से जल्दी।